लोगों को काफी दिनों से इंतजार था इस ट्रेन का। वो ट्रेन है डीसी रेल लाइन। ये भूमिगत आग के वजह से 6 साल पूर्व इसे रोक दिया गया था। इससे यात्रियों को और ट्रेन को भी खतरा बना हुआ था के वजह से, इस वजह से ये ट्रेन रुका हुआ था। लेकिन आज अभी मैं मौजूद हूँ धनबाद रेलवे स्टेशन में, और यहाँ पे धनबाद सांसद, धनबाद विधायक और DRM कमल किशोर सिन्हा के द्वारा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया गया। क्या कुछ कहा DRM ने, मैं आपको सीधे सुनाता हूँ। अब जैसा कि आप सांसद महोदय ने बताया कि ये करीब करीब 17 के बाद 2024 साढ़े छह साल के अंतराल में ये ट्रेन पुनः चालू की गई है। जनता की विशेष मांग थी। सांसद महोदय और आपके MLA साहब ने दोनों ने मेहनत करी है और ये ट्रेन वापस चालू ही है, तो जनता की विशेष मांग पे हुई है। और बंद हुई थी उस समय, रीजन था वेल पब्लिश रीजन है उसको। जब ट्रेन चालू की गई है, ट्रैक चालू किया गया है, उसके भी सेफ्टी नॉर्म पूरे किए गए हैं। धीरे धीरे सभी ट्रेनों को चालू किया, जैसा सांसद महोदय ने बताया, तो ट्रेन जब तक सेफ्टी नॉर्म पूरे रहेंगे तब तक, और हमें पैसेंजर मिलते रहेंगे, सब के लिए सेम है, सभी ट्रेन में सेम है। अगर आने वाले दिनों में ट्रेन से आग बढ़ती है, स्पेशल के रूप में, स्पेशल के रूप में सर, आने वाले दिनों में आग बढ़ती है, सर, हमारे तो कमिश्नर रेल सेफ्टी ट्रैक को वैल्यूएट करते हैं, और वैल्यूएट करते हैं, उन्होंने कंडीशन दी रखी है आपको। तो इनफैक्ट मैं तो कई बार, मैंने कई बार बोला है कि आप लोग हमारे साथ चलिए वहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने इस ट्रैक को सेफ रखने के लिए क्या क्या प्रयत्न कर रखे हैं, तो वो आप लोग एक बार चलेंगे, साइट देखेंगे तो समझ में आएगा। बाकी DGMS जो भी बोलता है ठीक है, मतलब कि हम वो हमें एडवाइस करता है, हम सबके एडवाइस लेते हैं कि आखिर ट्रेन कब तक चलेगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि पिछले 6 साल से जो ट्रेन बंद की गई थी वो भूमिगत आग की वजह से बंद की गई थी, लेकिन अभी और कितने दिन DGMS इसमें जांच करेगा और क्या खतरा है आग के वजह से। लेकिन इस ट्रेन के शुरू होने से धनबाद की आम जनता को काफ़ी फायदा हुआ है, क्योंकि जो लोकल स्तर पे धनबाद आना जाना करते थे कुमारडुबी से लेकर के कतरास, क्योंकि जैसा कि आप सुन रहे हैं कि ट्रेन का नाम ही है धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन, जिसकी वजह से आम आवाम को काफ़ी फायदे हुए हैं।